वो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कैसे उन्हें अब अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें देखते हैं, सुनते हैं। एक सेकंड का फौरन उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उनके जीवन के इससे उनके जीवन की कहानी आने वाले दशकों सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। राजकीय सरकार ने देख सकते मदम शिविर को जो कहानी है जिसमें उन्होंने जमीन पर खड़े रहकर आसमान को छुया था, ये कहानी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा बन जाएगी और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ सतीन चौहान, चंडीगढ़। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। राजकीय सम्मान के साथ उस शख्स को अंतिम विदाई दी जा रही है जिसने हिंदुस्तान के सपनों को आसमान तक ले जाना सिखाया, जिसने हिंदुस्तान को यह बताया कि अगर जोश, जुनून और जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, जिसने एक ऐसा सपना इस देश के भीतर पैदा किया जिसके आसपास भी पहुंचने का ख्वाब हर हिंदुस्तानी देखता तो है लेकिन अभी भी वो सपना अधूरा है। और राज्यवर्धन जी, एक बार फिर से रोम पदक में पदक नहीं पाने की वजह से उसका जिक्र, उसका मलाल उनको जीवन भर रहा, ताउम्र रहा। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मेडल से नहीं चूका, मैं देश को एक बड़ा सपना देने से चूक गया और वो उनकी ख्वाहिश आज तक अधूरी रह गई। ये कब पूरी होगी, देश अब यही जानना चाहता है। नहीं, जरूर एक खिलाड़ी के तौर पर, एक फौजी के तौर पर उन्होंने जो अपना मिशन रखा होगा वो उनकी सोच में शायद पूरा ना हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है जो जो प्रेरणा उन्होंने दी और अपने पूरे जीवन में जो उन्होंने दी, जिस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, वो अपने आप में किसी पदक से कम नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि वो कहीं चूके नहीं, बाकी मैं मानता हूं कि उनका जीवन अपने आप में पूरा एक इंस्पिरेशन है। अगर वो पदक पा भी जाते तो भी वो ऐसे ही याद करे जाते जैसे आज हम याद कर रहे हैं। तो चित्रा, एक बात उनमें क्या थी, वो निडर थे, डरते नहीं थे। जिस दिन ये खबर आई कि उनको कोरोना हुआ है, मैं आ रहा था और राहुल मेरे साथ बैठे थे, मेरे सहयोगी, उनको मैंने कहा फोन लगाइए, तो उन्होंने फोन लगाया, तो उनका टिपिकल एक स्टाइल होता है, हेलो बेटा, तो राहुल ने कहा सर वो ऐसे ऐसे पता चला है, तो उन्होंने कहा हाँ यार मैं भागने गया था, अभी भाग के घर आया हूँ यार, ये कह रहे मुझे कोरोना हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बट घबराओ मत। उसके बाद फिर पिछले हफ्ते बात हुई, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ की भी डेथ हुई, जो अब हम सपने की बात कर रहे थे, जो राज्यवर्धन ने भी कहा उनके सपने ने बाकियों को सपना दिया, क्योंकि वो मेडल नहीं जीते, लेकिन उसके बाद एथलेटिक्स में कौन आए, गुरबचन सिंह रंधावा आए, श्रीराम सिंह आए, पीटी उषा एशियन लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत एथलेटिक्स में ठीक करता था, ओलंपिक्स में जाके चूक जाता था, जिसे राज्यवर्धन भी कहेंगे, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन हो जाता था कैरेबियन अमेरिकन या फिर रशियन जो कुछ एथलीट्स होते थे, यूरोपियन एथलीट्स होते थे, वहां पर हम मार खा जाते थे। तो विवाद भी रहे हैं और दो बड़े विवाद इनके साथ रहे, एक तो अर्जुन अवार्ड जब इन्होंने मना कर दिया, और मैं बड़ा हैरान हुआ जब हम देख रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ इस बात का कि द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, हम सब बोलते हैं मिल्खा जी मिल्खा जी मिल्खा जी, लेकिन मिल्खा जी को सिर्फ पद्मश्री मिला हुआ है, वो भी कब मिला था, क्या 60 साल बाद पद्मश्री के बाद वो पद्म भूषण नहीं हो सकते थे, पद्म विभूषण नहीं हो सकते थे? मतलब ये थोड़ा सा दुख होता है कि पैमाना आपका क्या है नापने का, अगर आज मिल्खा सिंह के लिए हर कोई बात कर रहा है, लेकिन उनके पास क्या था, एक पद्मश्री? आपने लगता है इसका जवाब राज्यवर्धन जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक पूर्व ओलंपियन के तौर पर ही नहीं, सरकार में चूंकि वो सांसद भी हैं और जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी लकीरें होती हैं जिनके पार पा जाने की
ख्वाहिश उनके फैंस में होती है। विक्रांत, जिन बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं राज्यवर्धन जी, एक ख्वाहिश जो उनके चाहने वालों के मन में अभी भी अधूरी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने कर्मों से सब लोगों की याददाश्त में रहते हैं और उनसे लोग सीखते हैं, तो वो जो दर्जा है, वो जो स्टेटस है, वो अपने आप में किसी पदक से कम नहीं है, किसी सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा सम्मान दिए से कम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। आपको सम्मान तो फिर भी किसी को अपनी काबिलियत से भी मिलता है, किसी को एक अन्य कारण से भी मिल जाता है, लेकिन जो लोगों के दिल में जो सम्मान होता है वो आप अपनी मेहनत से ही कमा सकते हैं। और इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है कि हम सब मिल्खा सिंह जी को जिस तरह से याद करते हैं वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंस्पिरेशनल है, उनका पूरा जीवन इंस्पिरेशनल रहा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या कारण रहा, क्या उसमें अप्लाई भी करना हो सकता है, उन्होंने अप्लाई नहीं कराओ, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि मैं आई डोंट नो, मैं एसेस कर रहा हूं, लेकिन अपने आप में लोगों के दिल में जो सम्मान है वो किसी सम्मान से कम नहीं, उससे कहीं ज्यादा है।